हिंदुस्तान के वजीर आजम को एक तब्दीली की शक्ल में देख रहा है, एक तरक्की की उम्मीद से देख रहा है और ये उम्मीद लगाया है कि ये आदमी हिंदुस्तान को तरक्की दे देगा, रोजगार दे देगा, कामयाब कर देगा, मुल्क को मजबूत कर देगा। लेकिन मैं ये कहूंगा कि वो लोग जो इस शख्स को तरक्याती वजीर आजम मानते हैं, मैं उनसे कहूंगा शायद उनको इस शख्स में उम्मीद दिखे, शायद उनको इस शख्स में आस दिखे, लेकिन मेरी नजर जो देख रही है वो ये है कि ये मुसलमानों के खून में डूबा हुआ इंसान है जो गुजरात के इलाहाबाद का मुजरिम है। बेटा एक चीफ मिनिस्टर जो लोग बीजेपी को और भी है, मैं उनसे भी सवाल करूं कि नरेंद्र मोदी को आपने और नरेंद्र मोदी के कामयाबी पे दिया या नाकामी पर दिया? क्या नरेंद्र मोदी को गुजरात के फिसाद को कामयाबी से लेकर आगे बढ़ने का इनाम दिया या फिर नरेंद्र मोदी बहैसियत गुजरात के चीफ मिनिस्टर फिसादात को रोकने में नाकाम हुए तो वो इनाम आपने दिया? क्या दिया? क्या हो रहा है मुल्क में बताइए? जो इंसान घरों को उजाड़ता है, इज्जतों को लुटाता है, इज्जतों को लुटाता है, खून को बहाता है, एहसान जाफरी का खतल हो रहा है, कानून देख रहा है, इज्जत जहां का एनकाउंटर करवाता है, सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर का जिम्मेदार है, नरोडिया पालिया में हिंदुस्तानी बेकसूर मुसलमानों को जिंदा जला दिया गया, इसके नाक के नीचे ये जिम्मेदार चीफ मिनिस्टर है। अरे आप बताइए, इतना बड़ा भयानक फिसाद हुआ तो क्या ये चीफ मिनिस्टर की जिम्मेदारी नहीं होती कि फिसाद को रोके, खून खराबे को रोके, इज्जत इस्मत की इबादत करे? लेकिन ये शख्स रोका नहीं, रोकने में नाकाम।